आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं दीपेश। मध्य प्रदेश में मिशन 2018 की तैयारियों में लगी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुंगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं। उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अपना सियासी दमखम तौलेंगी, इसीलिए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां डेरा डाल हुए हैं। सियासी शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को मात देने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। साल 2017 में अठेर और चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में हार झेल चुकी बीजेपी 2018 की शुरुआत में ही फिर से निराशा का सामना नहीं करना चाहती। तभी तो सूबे के मुखिया खुद कोलारस के 5 दौरे कर चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। करोड़ों की घोषणाएं रोजाना हो रही हैं, शिलान्यास वगैरह तमाम चीजें जारी हैं। दूसरी तरफ 3 दिनों तक सिंधिया न केवल क्षेत्र में रहे बल्कि अलग अलग संगठन और समाज के लोगों से भी संवाद किया। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले हो रहे उपचुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके हैं, और क्या उपचुनाव की हार जीत से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में कद तय होगा, और क्या इन उपचुनाव से बीजेपी में भी कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसे में आज चर्चा वर्चस्व की बिसात के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो मुंगावली और कोलारस उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस भी सहानुभूति की सियासत को जिंदा रखे हुए है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव शिवराज बनाम सिंधिया होगा। वजह यह है कि मुंगावली सीट जीतकर सिंधिया ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश में 2018 के लिए सीएम के चेहरे के असली हकदार वही हैं। इससे पहले भी अठेर विधानसभा की जीत का श्रेय सिंधिया को दिया गया था। दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा भी सिंधिया घराने के बेहद नजदीकी थे। पिछले चुनाव में कालूखेड़ा ने भाजपा के राव देशराज सिंह यादव को लगभग 20,000 वोटों से हराया था। साल 2008 में राम सिंह यादव ने कोलारस विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा के देवेंद्र जैन से केवल 193 वोट से हार गए थे। इसके बाद जब 2013 में विधायकी के चुनाव में राम सिंह ने बीजेपी के देवेंद्र जैन को रिकॉर्ड 25,000 मतों से हराया, ये जीत जिले की 5 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी थी। मुंगावली की खास बात यह है कि वहां पर जो पिछला चुनाव जिन 2 मुख्य प्रतिद्वंदियों के बीच हुआ था, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो मुंगावली और कोलारस उपचुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसके लिए बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे हैं, तो कांग्रेस ने इन विधानसभा क्षेत्रों को सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे छोड़ दिया है। अब तक पीसीसी की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं बांटी गई, जबकि बीजेपी ने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं की फौज तैनात कर दी है। हाल ही में हुए चित्रकूट उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार से पार्टी को झटका लगा था। हार के बाद मंथन में तय हुआ कि सतत जनसंपर्क की कमी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पार्टी के प्रदर्शन पर भारी पड़ी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के मोर्चा संभालने के बाद भी पार्टी वहां हारी। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि कोलारस और मुंगावली में चित्रकूट वाला इतिहास दोहराया जाए। कोलारस मुंगावली की चुनावी चौसर, बीजेपी और कांग्रेस दिखा रही दमखम। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की सीट पर खिल पाएगा कमल? मध्य प्रदेश के कोलारस मुंगावली में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए दोनों उपचुनाव नाक का सवाल बन गए हैं। सत्ताधारी दल मिशन 2018 से ठीक पहले उपचुनाव में जीत दर्ज कर एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात को नकारने का संदेश देना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखना, और दूसरी चुनौती नेतृत्व की लड़ाई में खुद को ताकतवर साबित करना। दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव सहानुभूति के चुनाव होंगे।
क्योंकि मुंगावली सीट पर 2013 में कांग्रेस से हारने वाले राव देशराज सिंह यादव का 31 अक्टूबर को निधन हुआ, जबकि इस सीट पर हारने वाले कांग्रेस के विधायक महन सिंह कालूखेड़ा का भी 21 सितंबर को निधन हुआ। मुंगावली सीट में कालूखेड़ा ने भाजपा के राव देशराज सिंह यादव को करीब 20,000 वोटों से हराया था, जबकि कोलारस में कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव के निधन के बाद ही उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों सियासी दल सहानुभूति की लहर पैदा कर लोगों को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेताओं ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि दोनों उपचुनाव में कमल ही खिलेगा। और सरकार की योजनाएं जो जनहितैषी है, अनुसूचित जाति हितैषी है, कहीं ना कहीं ये पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मालूम पड़ता है कि राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से। अब की बार सिंधिया सरकार हमारी इस मानसिकता पर का विरोध है। हमारा कोई जातिगत विरोध नहीं है, न उनसे कोई विरोध है। हम तो इस मानसिकता के विरोध में आज से नहीं वर्षों से लड़ते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता के सामने बीजेपी का असली चेहरा आ चुका है। बीजेपी को अटेर और चित्रकूट की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। इन तैयारियों के आधार पर हम फिर दम्भ तो नहीं, आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि हम चित्रकूट की पुनरावृत्ति करेंगे, पटेल की पुनरावृत्ति करेंगे और लोकसभा झाबुआ की पुनरावृत्ति करेंगे। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, जनता के बीच हमें से उन्हें लेकर जाना है। और जो स्ट्रेटजी बनी है वो अभी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकार को जितना परिश्रम करना है कर ले, जितना झूठ बोलना है कर ले, जितना एक बार फिर ठगने की कोशिश करना हो कर ले, मगर वहाँ का जागरूक मतदाता कांग्रेस के पक्ष में और सरकार के खिलाफ मतदान करेगा। सियासी दलों की तैयारियों के बीच कोलारस विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रांची के वोटरों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई मूलभूत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। हमें समस्या जो है सर, कि पानी नहीं है पीने के लिए, बिल्कुल तो तालाब में या सिंचाई को नहीं रखो, इससे हम दस मंजीवान के थे बांध थे, हम लोग दस गांव चमन हो जाए, बाटा जी बड़बड़ जाएगी, दस गांव भी संचित हो जाएगी, नहर भी निकल जाएगी। इसलिए आपने ये बैनर लगाया है? इसलिए लगा, सब जनता ने यही समस्या के, क्या समस्या के लाने बैनर किस लिए लगाया आपने? मैंने इसलिए लगा जब काम नहीं होगा पूरे तो हम वोट नहीं जा रहे। हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए सिंचित का तालाब चाहिए, हमारे यहाँ तालाब नहीं है, जनता परेशानी है, बहुत से गांव में परेशानी है, पानी का वाटर लेवल चला गया, मवेशी प्यासी है, सिंचित की जमीन सूखी पड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग है पहले नंबर तो हमारी मांग है कि हमारा सिंचित का तालाब बने, दूसरी बात स्वास्थ्य केंद्र, तीसरे नंबर हाई सेकेंडरी स्कूल, और भी बहुत सी कराया था, सुनवाई कोई नहीं करता। किसको कराया था? एसडीएम महोदय को दिया था, कलेक्टर महोदय को, आप एडीजी दे के आए थे, सुनवाई अभी तक कुछ नहीं है। कांग्रेस के कब्जे वाली कोलारस मुंगावली में बीजेपी को इस उपचुनाव में जीत की दरकार है, इसलिए सत्ता पक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस भी अपनी सीटों को बचाने के लिए जातिगत समीकरणों पर ज्यादा जोर दे रही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर वोटर्स के मिजाज को समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या परंपरागत वोटर कांग्रेस के खाते में जाएंगे, या फिर विकास कार्यों का गुणगान कर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, या फिर एंटी इनकम्बेंसी के चलते उपचुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कोलारस से विशोक व्यास, मुंगावली से हेमंत यादव के साथ रश्मि मिश्रा की रिपोर्ट। तो जब कोलारस और मुंगावली उपचुनाव की तारीखों का हो रहा हो इंतजार, विरासत बचाने के लिए दिग्गज लगातार कर रहे हो प्रचार और वर्चस्व बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कस ली हो कमर, तो सवाल उठते हैं कुछ महीनों के लिए होने वाले कोलारस और मुंगावली उपचुनाव क्यों बने हैं प्रतिष्ठा का सवाल। मिशन 2018 के लिए किसको मिल पाएगी उपचुनाव में जीत की संजीवनी। क्या उपचुनाव की हार जीत तय करेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद।
तो जो दो T20 होने हैं बड़े मुकाबले के पहले, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव जी कांग्रेस की ओर से, संजय जी आपका स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अनिल सर आपका स्वागत है। और के अग्निहोत्री जी हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज संपादक हैं स्वराज डिजिटल के, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अग्निहोत्री जी आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं उपचुनाव का ट्रेंड कि कहीं कुछ घटना हुई, यानी उपचुनाव की नौबत बनी और अगले दिन से दोनों ही दलों के बड़े नेता वहां पहुंचने लगते हैं, घोषणाओं की झड़ी लग जाती है, अंबार लग जाता है उस क्षेत्र को, मान लो कि बड़ी सौगातें मिलने लगती है, इतना कभी विकास नहीं होगा, ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव में शायद वो तर जाएंगे। इस उपचुनाव की अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन माहौल इतना गर्मा गया है मानो ऐसा लग रहा है कि कल चुनाव है। अभी तक जितनी तैयारियां हुई हैं दोनों दलों की ओर से, क्या लग रहा है आपको, कौन आगे है और वाकई कौन पूरी मुस्तैदी से वहां पर ऐसा लग रहा है कि इस उपचुनाव को भी नहीं छोड़ना चाहता? देखिए, क्योंकि ये दोनों सीटें कोलारस और मुंगावली ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ वर्चस्व माना जाता है और इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए ही शिवराज सिंह चौहान और उनकी जो टीम है वो अभी से जुड़ गई है। अभी ना तारीख का ऐलान है, ना अधिसूचना है, ना चुनाव आचार संहिता की कोई बात है, लेकिन पहले से, क्योंकि जो इन्होंने अटेर और चित्रकूट में जो धक्का सहन किया है वो अब फिर कोलारस और मुंगावली में, क्योंकि कांग्रेस बहुल ही इलाका, जैसे चित्रकूट के बारे में हम लोग कहते आ रहे थे, अटेर तो था ही, खैर ये कांग्रेस बहुल इलाका है, कांग्रेस के पक्ष में ही यहाँ का मतदाता अधिकतर वोट देता आया है, इसीलिए ये चुनाव जो है कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उनको अपनी नाक बचानी है, उनको अपनी सीट बचानी है। वही बीजेपी के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उनको इस सीट पर अपना कब्जा करना है। और जो चित्रकूट में उन्होंने कमियां रखी थी, मुख्यमंत्री जी चित्रकूट में 2 या 3 दिन आखिरी में रहे थे, उनने ज्यादा समय वहां नहीं बिताया और अपनी टीम के भरोसे जो है उस चुनाव को छोड़ दिया था, लेकिन वह भूल जो है शिवराज सिंह चौहान कोलारस और मुंगावली में नहीं करना चाहते, इसलिए वो लगातार अभी से वहां पर डेरा डाले हुए हैं, बार बार जा रहे हैं, कई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन घोषणाओं से विकास नहीं होता। अभी आपने जो पैकेज में दिखाया कि किस तरह की डिमांड्स वहाँ के लोगों की है, सिंचाई का है, पानी का बहुत संकट है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर जो है बहुत नीचे जा रहा है शनै शनै, जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है जिसको कहा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुई हैं। और तीसरा 13-14 साल की जो 19 इनकम्बेंसी है वो फैक्टर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चित्रकूट में भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए टफ बहुत है फाइट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित में एक अच्छी बात ये जाती है कि वो पहले से रणनीति तय कर लेते हैं और उस पर अमल शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के साथ ये बात नहीं है, वो पहले से ना कोई उनकी रणनीति होती है, ना कोई नेताओं का वो जोर होता है, सिर्फ ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे इस चुनाव को छोड़ दिया जाए और वही उनके फेस पर वो कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक है, मैं अनिल जी आपका और कमेंट चाहूंगा, उसके बाद फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो शुरू होंगे ही। अनिल जी, ये चुनाव क्या है, सिंधिया बनाम शिवराज का होगा या फिर बीजेपी बनाम सिंधिया का होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की बड़ी फौज है, दूसरी तरफ अकेले सिंधिया है। और हालांकि बीजेपी के लिए बहुत असहज स्थिति इसलिए नहीं हो सकती अगर उनके पक्ष में न भी आए कि ये कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छा, हालांकि बीजेपी के विधायक भी जीते वहां पर, मुंगावली में भी जीते, कोलारस में भी जीते, लेकिन फिर भी चूंकि सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र में ये दोनों सीटें आती हैं, इसलिए क्या वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा किसके लिए मायने रखती है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ वर्चस्व की लड़ाई सिंधिया जी के लिए काफी है, इसलिए ये चुनाव भाजपा वर्सेज सिंधिया होगा। अच्छा, और यही कारण है कि कांग्रेस का भी दूसरा कोई नेता वहां पे आते हैं जाते हैं, एक आध राउंड लगा देते हैं, लेकिन सिंधिया जी की पूरी टीम स्टार्टिंग से लेके आज तक वहां तैनात है और ये इस बात का संकेत है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी लड़ रहे हैं। ठीक है, और अभी की गर्माहट से क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? मुकाबला तो निश्चित ही काफी टफ होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कैडरवेस पार्टी है, टीम है, नो डाउट टीम भावना से लड़ते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी
के साथ परेशानी ये आनी है कि वो किसान बहुल क्षेत्र है। हाँ, यही मैं चाह रहा था। किसान बहुल क्षेत्र फिलहाल आज की स्थिति में कुछ बीजेपी से नाराज चल रहा है, उस क्षेत्र में किसान सर्वाधिक हैं, इसका मैं समझता हूँ कांग्रेस को इसका बोनस पॉइंट मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हाल ही में जो गोलीबारी वगैरह हुई थी उससे भी किसानों में आक्रोश है, उसका भी लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि ये सही है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, एक तरफ केवल सिंधिया और उनकी टीम है, वहीं पूरी बीजेपी और पूरा संगठन कोलारस और उसमें बंगाल में जुटा हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, दोनों जो सीटें हैं वहां पर आपके राव देशराज सिंह बड़े नेता माने जाते थे मुंगावली में, अब वो नहीं है, वो भी इस दुनिया में उनके परिवार से चल रही है जद्दोजहद टिकट देने की, लेकिन वो अलग मसला। कोलारस में जो पिछली हार हुई बड़े मार्जिन से हुई, और 2008 में जो आपके देवेंद्र जैन जीते थे बहुत कम मार्जिन से जीते थे, दोनों सीटें बहुत ज्यादा टफ है आपके लिए, क्या इसीलिए इतने मंत्री इतने विधायक, यानी यूं कहें कि संगठन के ज्यादा नेताओं से, संगठन के नेताओं से ज्यादा आपने मंत्रियों को वहां पर लगा दिया? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपनी निष्ठाओं में से मानती है, और इसलिए कोई भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो किसी पंच का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दो चुनाव होने हैं, जनता के बीच जाना है। हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात, अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाए, तो हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार सक्रिय हैं। लेकिन जो हमको फीडबैक मिला है वो लगातार यह है कि 1999 से लगातार ज्योतिराज, पहले माधवराव सिंधिया और उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया वहाँ पर सक्रिय रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन 18 सालों में इन्होंने किया क्या है बताने के लिए 18 सालों में कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ कोई कमी है तो पिछले दो विधायक भी उन्हीं के थे, तो कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं कि उनके प्रतिनिधियों के रहते उन्होंने कोई उपलब्धियाँ अर्जित की हो, जनता की मांग उठाई हो, जनता की बात रखी हो, क्योंकि कई बार सामंती पृष्ठभूमि के कारण कुछ फायदा लेते रहे, लेकिन अब लोकतंत्र लगातार जागरूक हुआ है और हमको पूरा भरोसा है कि जनता मध्य प्रदेश के पूरे विकास का जो रथ है वैसा ही अपने क्षेत्र मुंगावली में भी चाहती है, कोलारस में भी चाहती है, और निश्चित तौर पर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी आगामी उपचुनाव में हासिल करेगी। नहीं, चुनौतियां मान रहे कि नहीं कि सिंधिया वहां पर है, उनका काफी वर्चस्व है वहां पर, उनकी फैन फॉलोइंग है, और दोनों जो सीटें उनके लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। देखिए, ऐसा है, पहले उनका वर्चस्व होता था लेकिन उनकी जमीन हिली हुई है। आपने जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत बाद में पहुंचे हैं। आपको ध्यान हो, 2-3 माह पहले एक कॉलेज में छात्राओं की बात रखने के बहाने ज्योतिराज सिंधिया वहां पहुंचे और उन्होंने राजनीतिक चर्चा शुरू की। तो चूंकि ज्योतिराज सिंधिया हिले हुए हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये दोनों सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ज्योतिराज सिंधिया राजनीतिक रूप से बहुत पीछे निश्चित तौर पर होने वाले हैं। कांग्रेस का जो इंटरनल स्ट्रगल है, चाहे वो अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो या ज्योतिराज सिंधिया हो, तो इनकी जो आपसी जद्दोजहद है वो उसके कारण ज्योतिराज सिंधिया तनाव में है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। संजय जी, एक तरफ बीजेपी के कई मंत्री, संगठन के बड़े नेता वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, आपकी पार्टी से दिग्विजय जी नर्मदा यात्रा में लगे हैं, कमलनाथ जी अभी दिल्ली से आए नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा आपके प्रदेश प्रभारी मीडिया की सुर्खियां ले जाते हैं, उनके बयान ज्यादा यानी सुर्खियों में रहते हैं, अकेले सिंधिया वहां पर किला लड़ाए हुए, जैसा कि अनिल जी भी कह रहे हैं कि पूरा मुकाबला बीजेपी वर्सेस सिंधिया का है, तो सिंधिया जी की क्या मजबूरी है कि चूंकि उनके क्षेत्र की सीटें हैं और दो उपचुनाव भले ही हों, लेकिन अगर इसमें अगर जरा सी भी चूक हो गई तो सीधे सीधे जो एक कद बनने वाला है सीएम के लायक, क्या उसमें दिक्कत हो सकती है? देखिए, सिंधिया जी जो है वो लोकप्रिय सांसद है गुना शिवपुरी क्षेत्र के और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने विकास कार्य निरंतर जो भी वो कर सकते थे, जब केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की और मध्य प्रदेश में भाजपा की रही, तब भी भाजपा ने वहां पे भेदभाव किया है उस पूरे क्षेत्र में, और उसी का नतीजा है कि आज बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सरकारी स्तर पे, जो सरकार के स्तर पे दी जानी चाहिए थी, चाहे नहरों की हो, सिंचाई की हो, वो सब आज वहां पे नहीं पहुंच पाई है, उस भेदभाव का नतीजा है। और जहां तक ज्योतिराय सिंधिया जी की सक्रियता की बात है, तो ज्योतिराय सिंधिया जी एक ऐसे सांसद हैं जो महीने में 15 दिन अपने क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं, और वो आज नहीं कर रहे, वो जो है लगातार जब 2002 से जो है वो उनका हर 15 दिन में एक दौरा कार्यक्रम, हर 15 दिन वहां पे वो रहते हैं महीने में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आज वो जो है केंद्रीय मंत्री रहे जब नहीं आते होंगे। नहीं, तब भी हाँ। तब भी जो है 7 दिन महीने में वो आते थे निश्चित रूप से, हमेशा आते रहे,
और यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी चुनाव लड़ने के लिए वहां पे बैठी हुई है और कांग्रेस का संगठन वहां पे लगातार काम कर रहा है। ज्योतिराय सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव होना है निश्चित रूप से, ये सत्य है, लेकिन वहां पे जो है हमारा प्रदेश संगठन जो है उसकी निगरानी में ही वो चुनाव होगा। नहीं लेकिन वही तो कह रहे हैं बाकी सभी कि वहां पर अकेले सिंधिया लगे हुए हैं, आज बाकी आज नेता कहाँ है आपने? आज चुनाव की बीजेपी तो किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं कर रही है कि अधिसूचना होगी फिर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे 6 मंत्रियों के साथ, 3 कोलारस में मंत्री लगे हुए हैं, 3 मंत्री उनके मुंगावली में लगे हुए हैं, शिवराज सिंह जी अप और अप डाउन कर रहे हैं वहां पे लगातार, 6-6 सभाएं, 5-5 6-6 सभाएं ले रहे हैं जाके, जिसमें 5,000-10,000 लोग इकट्ठे हो पा रहे हैं बामुश्किल। तो ये घबराहट है क्योंकि 14 साल से पिछले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोलारस और मुंगावली क्षेत्र में और कहीं भी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख लीजिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, और अब जबकि इनके सामने चुनाव आके खड़े हो गए हैं तो इनकी घबराहट का नतीजा है कि ये वहां पे जाके इसलिए खड़े हैं, इनके 3-3 मंत्री इसलिए क्षेत्र में घूम रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है, इनको मालूम है कि हमें चुनाव हारना है और हारने के लिए ये जो है वहाँ पे जाके जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह जीत के आ जाए। आप निश्चिंत हैं संजय जीत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हैं, दोनों चुनाव जो है कोलारस का और मुंगावली का दोनों में कांग्रेस सीटों को बरकरार रखे। कॉन्फिडेंस जो चित्रकूट में लग रहा था कांग्रेस का वो यहाँ भी नजर आ रहा है दीपक जी, और आप लोगों ने उस समय शायद कुछ ढिलाई बरती चित्रकूट में, उसका खामियाजा भी भुगता, लेकिन यहाँ सक्रियता है तो वो क्या घबराहट है या सक्रियता है? देखिए कांग्रेस के हाँ पता ही नहीं है, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि 440 सीटें इनकी संसद में होती थी और अब 44 बची हैं, तब भी इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं है और अब हार्दिक पटेल के कंधों पे, जगदीश मेवाणी के कंधों पे, इनके कंधों पे इनको सवार होना पड़ रहा है। जो पार्टी गुजरात में गांधी जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, महाराज देसाई के, सर संजय जी पूरी बात कर लीजिए, मुरारजी देसाई के भरोसे होती थी वो, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर और इन लोगों के भरोसे है, तो राहुल गांधी किन लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस से हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो स्थिति है वो सारा प्रदेश जान रहा है कि ज्योतिराय सिंधिया घबराए हुए हैं क्योंकि इस चुनाव में ये दोनों सीटें ज्योतिराय सिंधिया जैसी हारेंगे तो जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही हैं पिछले 5-7 साल से, हालांकि 2013 में भी उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था, उसके बाद भी बहुत बुरी तरह हाथ चंबल संभाग में भी हुई, वो सब ध्वस्त होने वाली हैं और इसके ऊपर खाली भाजपा तो अपना काम कर रही है क्योंकि हम जैसा मैंने पहले कहा कि छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो हम मैदान में उतरते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं और हमारा जो 200 पार का लक्ष्य है हम चाहते हैं कि ये दोनों सीटें जीतेंगे, यहाँ मजबूती से खड़े होंगे तब हम अब की बार 200 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। ठीक है, दो दर्शक है मेरे साथ में, उसके बाद अनिल जी के पास जाऊंगा, मुंगावली से ही है एक दर्शक विनोद, अपना सवाल करें। हाँ सर मैं कह रहा हूँ, सर जी दीपक जी कह रहे हैं कि 17 साल में ज्योतिराज सिंधिया ने, हाँ पूछिए विनोद सर जी। मैं ये बोल रहा हूँ, दीपक जी बोल रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया ने 17 साल में कुछ नहीं किया है, आज जो मुंगावली में विकास हुआ सिंधिया जी के अलावा किसी ने नहीं किया, आज चुनाव हो रहा है तो शिवराज सिंह जी बार बार मुंगावली जा रहे हैं। नहीं तो आपके क्षेत्र में कोई समस्या है कि नहीं इस वक्त? सभी समय हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं, सब समस्या संजय जी ने पूरी कर दी। अच्छा चलिए एक और दर्शक है दुर्ग से सेवाराम जी, सेवाराम जी अपना सवाल करें। दीपेश जी नमस्कार जी, मेरा सवाल कांग्रेस के श्री संजय श्रीवास्तव जी से है। श्रीवास्तव जी नमस्कार, हेलो जी जी पूछिए सुन रहे हैं। हाँ गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभाओं के बाद भी होम स्टेट में भाजपा को कम सीटें मिलना भाजपा के लिए काउंटडाउन दिख रहा है, लेकिन इसका फायदा मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे उठा पाएगी? हो सकता है कि अभी जिन दो कोलारस और मुंगावली विधानसभा उपचुनाव में आप चित्रकूट दोहरा दें, लेकिन ये सेमीफाइनल होगा, क्या फाइनल के लिए आपकी तैयारी है? क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी मोदी जी वर्सेस राहुल जी हो सकता है क्या सर? जी संजय जी जवाब जी। सेवाराम जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कांग्रेस पार्टी आज आपने देखा होगा कि अटेर में उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में, वहां पे कांग्रेस पार्टी विजयी रही, उसके बाद चित्रकूट में हुए उसमें हम विजय हुए, एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ रतलाम झाबुआ का उसमें हम विजय रहे, तो हमारी कोई तैयारी रही होगी इसीलिए हम वहां पे जीते हैं, यदि तैयारी नहीं होती तो हम नहीं जीतते। और निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले समय में जो 2018 के चुनाव के लिए
पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल से यहाँ पे कुशासन चल रहा है। संजय जी, 22 साल के कुशासन को आप गुजरात में नहीं तोड़ पाए, किनारे पे आपके आके कश्ती डूब गई। जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हो, जहाँ वो रोडों पे उतर गए हो प्रधानमंत्री, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रोडों पे उतर के चुनाव लड़ रहे हो, और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उसके बाद इनकी सीटें कम हुई। जो अमित शाह जी 150 सीटों का टारगेट बोल रहे थे कि हम 150 प्लस रहेंगे और चुनाव का रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा हम उससे एक भी सीट कम नहीं होंगे, और वहां पे वो 99 पे आके उलझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है। पहले पहले जिस जगह खड़ी हुई थी वहां से आज नीचे उतर गई है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ग्वालियर से दर्शक है अमित कुमार जी, अपना सवाल करें। हेलो, मेरा डॉक्टर भाजपा जी से एक सवाल है कि बढ़ता हुआ भाजपा में भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश भाजपा में भ्रष्टाचार, उस पर कुछ जवाब देंगे क्या डॉक्टर विजयवर्गीय जी? भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, चुनाव से जुड़ा आप कुछ और पूछना चाहते हैं क्या? मैं जो पूछना चाहता हूँ, शिवराज सिंह के विकास कार्य क्या है मध्य प्रदेश में? क्या आपका कुछ सवाल क्लियर नहीं रखा है? हम आगे बढ़ते हैं। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसी तरह की बातें चित्रकूट में भी हुई थी, वहां भी विकास नहीं हुआ था, जैसा कि हमने आज यहाँ तस्वीरें दिखाई कि कई लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में ये नहीं मिला वो नहीं मिला। वहां पे प्रेम सिंह जी का एक छत्र राज था, उसके बावजूद विकास नहीं पहुंचा था। जैसे उपचुनाव हुआ यहाँ भी विकास की झड़ी लगा दी गई, घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई कहना चाहिए। इसके बावजूद क्या लगता है कि मतदाता प्रभावित होगा, या फिर जिन्हें अभी तक वोट देता आया है? सिंधिया जी का हम बताएं कि जो उनके जितने संसदीय क्षेत्र में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, मुंगावली है, कोलारा से, यहाँ से काफ़ी संख्या में उनको वोट मिलते हैं। गुना से भले वो उनको बहुत कम वोट मिलते हैं, जबकि है गुना शिवपुरी संसदीय सीट, तो ऐसे में क्या लग रहा है वहाँ के मतदाताओं का मन क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो सिंधिया जी की संसदीय क्षेत्र है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दोनों ही सीटें जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं ये सिंधिया राजघराने से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात ये, भाजपा यहाँ एक थोड़ी सी चूक कर गई। पहले यशोधरा राजे सिंधिया जी को उन्होंने अपनी उस लिस्ट से अलग हटा दिया जो कैंपेनिंग करते हैं। फिर उनको एहसास हुआ कि बिना यशोधरा जी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिंधिया राजघराने से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका नाम फिर से जोड़ लिया। लेकिन उस समय तक काफी देर हो गई, यशोधरा जी नाराज हो गई। वो ये सवाल है कि भाजपा खुद ऐसे महसूस कर रही है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सिंधिया जी से हमें टक्कर लेने के लिए सिंधिया को ही उतारना पड़ेगा। अब देखते हैं यशोधरा जी कितना मानती हैं, कितना कैंपेनिंग के लिए आगे बढ़ती हैं, आर्टिफिशियल करती हैं या दिल पे करती हैं। रही बात वहां पे विकास की, तो विकास में कई चीजें हैं। शिवराज जी चाहते हैं निश्चित विकास हो, उसके लिए वे 24 घंटे भी जुटे रहते हैं, सब कुछ काम करते हैं, अफसरों को भी लताड़ते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको उतना वो नहीं करते जितनी उनसे उम्मीद की जाती है, जिसका परिणाम भाजपा को अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। यहाँ पर भी यही चीज देखने में आ रही है। अग्निहोत्री जी, आप चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता, दूसरी तरफ अकेले सिंधिया, लेकिन हमने चित्रकूट में देखा था कि वहां पर बाद में यही कहा कि साहब इतने बाहर से नेता आ गए थे बीजेपी के कि वो समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना। और वहां पर अकेले कमलनाथ जो है डेरा जमाए रहे, या अजय सिंह डेरा जमाए रहे, उन्होंने ये गढ़ जीत लिया। यहाँ भी सिंधिया अकेले हैं, क्या वही फॉर्मूला यहाँ फिट हो रहा है, या फिर बीजेपी फिर अति उत्साह में कुछ गड़बड़ करने जा रही है? देखिए, अटेर में सिंधिया जी का नाक का सवाल था और चित्रकूट में जो है अजय सिंह जी के नाक का सवाल था। अब यहाँ अजय सिंह जी नहीं दिख रहे, तो अब सवाल कांग्रेस के अंदर यही है कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है मतदाताओं के साथ कि एक नेता ही पूरा बागडोर संभालता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपके सारे नेता वहां जाएं और सारे नेता प्रचार करें और ऐसा लगे जनता को कि ये हमारे सामने 2018 में एक विकल्प के रूप में पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी को के बजाय यदि वो किसी को चुनना चाहें तो एक विकल्प उनके सामने बन करके सामने आना चाहिए। लेकिन दिवेश जी, ऐसा कुछ होता अभी तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि 13-14 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी व्यवस्था विरोधी जो माहौल जो बन रहा है, दूसरा है केंद्र के खिलाफ भी कुछ माहौल बन रहा है,
वोटर के मन में, जनता के मन में ये बात जरूर है कि जो जीएसटी है उसके कारण जो मुसीबतें आई या दूसरे और करने नोटबंदी वगैरह आदि कारण थे, और जिस तरह की सपने दिखाए गए केंद्र द्वारा भी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी, उन सपनों पर बहुत ज्यादा खरे नहीं उतरे। तो ये चूंकि 13-14 साल में एंटी इनकम्बेंसी व्यवस्था विरोध का जो सवाल आकर खड़ा हुआ है, ये बात शिवराज सिंह चौहान जी भी अच्छी तरह समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यदि मनन मंथन करेगी और उस तरह से अपनी एक कोई रणनीति तैयार करेगी, ताकि देखिए घोषणाएं तो हुई हैं, अब ये घोषणाएं अमल में कब आएंगी, धरातल पर कब आएंगी। चित्रकूट में जो मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करके आए थे वो धरातल पर उतरी कि नहीं उतरी, ये सारा काम जो देखने का है वो तो सरकार का ही देखने का काम है कि वो देखे। ग्वालियर से एक दर्शक है बलराम यादव जी, अपना सवाल करें जी। बलराम जी पूछिए, चलता हूँ, संपर्क नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी दीपक बावरिया ने भी यही कहा जब उनसे गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये गुटबाजी नहीं, ये तो हमारे जो छत्रप हैं ये अपने अपने हिस्सों में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और ये साबित भी कर रही कांग्रेस। अजय सिंह नहीं जाएंगे बिंद छोड़कर ग्वालियर चंबल में, जब वो बिंद की जिम्मेदारी उनको है तो बिंद में मजबूत कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल में सिंधिया मजबूत कर रहे हैं, उधर आप छिंदवाड़ा तरफ कमलनाथ जी, अगर जी महाकौशल में कमलनाथ जी मजबूत कर रहे हैं, तो ये तो उनकी ताकत हो रही जिसे आप गुटबाजी का नाम देते थे, और ये उनको सक्सेस भी मिल रही है। आपके पास अकेले मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो ऐसा तो नहीं कहें कि सिंधिया के हवाले उन्होंने होलसेल पूरा मामला दे दिया है, और जैसा हुआ पिछले उपचुनाव में कि बीजेपी के ज्यादा नेता पहुंच गए। अब देखिए हो क्या रहा है, आपकी लोकल लीडरशिप वहां पर कुछ नहीं है, ना कोलारस में ना मुंगावली में, अभी प्रत्याशी चयन करने में आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली है। तो बात यही कि भोपाल से जाएंगे नेता या वहां, क्या वो उस तरीके से मतदाताओं से जुड़ पाएंगे, उन्हें प्रभावित कर पाएंगे, या केवल अकेले घोषणा करने से मतदाता प्रभावित हो जाएगा? देखिए पहली बात तो यह है कि वहाँ जो पार्टी का काम या जनसंपर्क अभियान चल रहा है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे है, और पूरी तरह स्थानीय कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिले के नेता काम कर रहे हैं, प्रदेश के कुछ नेता इसलिए जाते हैं कि वो राजनीतिक रूप से मुद्दों के मामले में मार्गदर्शन कर सकें। तो कुछ होते हैं, कुछ दर्जन आधा दर्जन नेता होते हैं, बाकी सैकड़ों की संख्या में जो गाँव में हर पोलिंग बूथ तक काम करते हैं वो स्थानीय कार्यकर्ता ही हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अगर समझती है कि जिस तरह से वो पिछले 50-60 साल में बढ़ती रही है घटती रही है उसी तरह से उनकी दिशा ठीक है, तो दीपक बावरिया जी को मुबारक हो, और वो इसी तरह से जैसे 44 से पर पहुंचे हैं 440 से वो 4 तक भी पहुंच जाए हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं कहने की है कि अभी हमारे मित्र श्रीवास्तव जी ने, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि साहब वो 14 वर्षों से काम नहीं हो पाया, ज्योतिराज सिंधिया जिसको मुद्दा बना रहे हैं, 250 साल से सिंधिया परिवार वहां काबिज है, और अब वो ये कह रहे हैं कि 14 साल में जबकि विधायक उनके सांसद उनके, तो उसके बाद कोई चीज नहीं हो पाई है तो बीजेपी के भरोसे नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति ज्योतिराज सिंधिया की भी है और कांग्रेस की भी है, और इनको सोचना चाहिए कम से कम बात तो ठीक से रखें। ठीक बात। और संजय जी वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत सब बताते हैं कि कांग्रेस के ही पास है, है ना? मुंगावली में भी एक दर्शक ने कहा, और वहां पर चूंकि मैंने भी कई बार जाने का मौका लगा तो वहां पर है कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। राव देशराज जरूर वहां पर एक चेहरा थे बीजेपी के, लेकिन अब वो भी आपके साथ नहीं है। अब उनके परिवार से आप किसी को टिकट देते हैं या बाहर से कोई प्रत्याशी लाते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा अगले समय में। लेकिन संजय जी क्या वहां पर जीतते आए इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि कोलारस भी हम निकाल लेंगे और मुंगावली भी निकाल लेंगे? देखिए दोनों जगह पे जो है कांग्रेस संगठन ने काम किया है, और वहां के लोकल जो विधायक थे और सांसद इन्होंने काम किया है, उसके आधार पे जो है हम वोट मांगेंगे। और वहां ज्योतिराज सिंधिया जी ने लगातार वहां पे, आप मुंगावली और आसपास यदि आप गए हुए हैं तो आप देखिए कि वहां की सड़कें कितनी बढ़िया है, और सब केंद्रीय फंड से बनी हुई सड़कें हैं। वहां पे आप पिछोर क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे आपको नहरों का नेटवर्क मिलेगा पूरा, जहां पहले कभी कोई कृषि नहीं हुआ करती थी। तो ये सब ज्योतिराय सिंधिया जी की देन है उस क्षेत्र में। और वहां आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जिन मंत्रियों को भोपाल में वल्लभ भवन में बैठ के पूरा प्रदेश चलाना चाहिए था, आज नरोत्तम मिश्रा जी, रुस्तम सिंह जी, विश्वास सारंग जी, ये सब कोलारस में कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा जो है मुंगावली क्षेत्र में आप देखें तो रामपाल सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी,
और जयभान सिंह पवैया जी और साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा जी वो लगातार वहां पे घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया है कि वहां इनका संगठन नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रभात झा जी किस तरह से वहां पे जाके जो है शासकीय कर्मचारियों को शिक्षकों को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं उनके ऊपर कि आप जाइए और जाके क्षेत्र में भाजपा का माहौल तैयार करिए, क्योंकि उन्होंने जायजा ले लिया है कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई माहौल नहीं है, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से रुष्ट है। इसीलिए आज ये नौबत आ पड़ी है कि प्रभात झा जी जाके और लाल सिंह आर्य जी वहां जाके बोल रहे हैं कि आप डंडा ले लो हाथ में और सचिव आए तो उसको देख लेना। तो क्या उस क्षेत्र के अंदर जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं आज उनको जो है सरकारी मुलाजिम होना उनके लिए जो है अन्याय का एक कारण हो गया उनके ऊपर? तो ये जो डर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये निश्चित रूप से जो ज्योतिराय सिंधिया जी ने उस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई थी उसके कारण जो है ये डर दिखाई पड़ रहा है। और वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन शून्य की तरफ है, इसलिए बाहर से कार्यकर्ताओं को इनको इम्पोर्ट करके ले जाना पड़ रहा है। ये सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप जो है आप पर चुनाव के बाद लगते हैं, अभी पहले से लगने लगे। इसका मतलब यही कांग्रेस पार्टी वहां हार रही है पहले से। इनका जो इनकी जो हारने वाली जो टीम है वो लगातार तैयार रहती है, उसमें इनका लीगल सेल भी शामिल रहता है, इलेक्शन में से जो कोऑर्डिनेट करता है वो भी तैयार रहता है। जहां इनको लग जाता है कि चुनाव हारने वाले हैं ये पहले से नहीं, तो लेकिन अगर ये हो भी रहा है तो गलत है ना? नहीं, आरोप पर आप कहिए कि ये गलत है कि सही है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है और कांग्रेस पार्टी का हारना पक्का है। अभी अभी मैं बताता हूँ, अर्चना चिटनिस जी गई थी मुंगावली के दौरे पर, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की छुट्टी कर दी गई, मिड डे मील नहीं बैठा। पारस जैन साहब जाते हैं अशोक नगर के, आपके विधायक के गोपीलाल जाटव, पारस जैन जी अंदर चर्चा कर रहे हैं, गोपीलाल जाटव बाहर पान की दुकान पर बैठे हैं। पवैया जी थाली में भोजन कर रहे हैं, गोपीलाल जाटव जी अशोक नगर, चूंकि अशोक नगर जिले में आती है विधानसभा सीट में, इसलिए बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई सामंतों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी धन कुबेरों की पार्टी नहीं है कि एयर कंडीशनर में बैठ के राजनीति करें। हमारा प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सरपंच से लेकर और वार्ड अध्यक्ष तक सब बिल्कुल फील्ड में काम करते हैं, सड़क पे खड़े होकर काम करते हैं, पान की दुकान पे काम करते हैं, होटल के सामने काम करते हैं। दलित का भी मुद्दा उठने वाला है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। हम तो जातियों की राजनीति करते नहीं है। अब ये कांग्रेस पार्टी जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, जहां हार जाती है वहां दंगे जातिवाद फैलाने का प्रयास करती है, गुजरात में भी इन्होंने किया, ये अपनी तरह की जो नेगेटिव राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करेगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि वहां सड़कें बनी हैं, सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ, तो इनसे पता कर ले, ज्योतिराय सिंधिया जी से पूछ लें कि 2003 के बाद बनी है कि 2003 के पहले बनी है। जाहिर तौर पर जो भी सड़कें बनी हैं, जो भी सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है वो 2003 के बाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने 1956 में मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद 2003 तक क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी बताए। ठीक है संजय जी, आप कुछ देखिए, ये जो बात कर रहे हैं आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि एक मंत्री जो है थाली में खाना खा रहे हैं और अनुसूचित जाति के एक विधायक बैठे हुए हैं बगल में, जिनको पत्तल पे परोस दिया जाता है या कागज की प्लेट में परोस दिया जाता है, तो ये वहां पे दिखाई पड़ा है। आप देखिए कि वहां जो है बीएल आहिरवार जो है एक प्राचार्य थे शासकीय कॉलेज में मुंगावली में, उनको जो है केवल इसलिए कि उन्होंने क्षेत्रीय सांसद का कार्यक्रम आयोजित किया कॉलेज के अंदर और उनकी डिमांड थी वहां पे, वहां डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जब क्षेत्रीय सांसद, तो इन्होंने जो है उनको निलंबित कर दिया और निलंबन अवधि में 700 किलोमीटर दूर शहडोल में उनकी पोस्टिंग कर दी गई। आप देखिए शिवराज सिंह जी अभी गए, उन्होंने लेकिन उन पर आरोप लग रहे थे कि वो एनएससीआई के लिए काम कर रहे थे कॉलेज नहीं, में गलत सीधे पवैया जी ने आरोप लगाया। क्षेत्रीय सांसद होके अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो आप प्राचार्य को दंडित क्यों कर रहे हो? आप कार्रवाई करिए ना उनके ऊपर। देखिए मेरे को बोलने दीजिए आप, दीपक जी मेरे को बोलने दीजिए। आप देखिए अभी सहरिया आदिवासियों के बीच में गए माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां इन्होंने 1,000 रुपए की घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा आदिवासी महिलाओं को, लेकिन वहां पे हजारों 24,000 प्रकरण वहां पे जो है आवंटन के, जो आदिवासियों को भूमि के आवंटन के वहां 24,000 प्रकरण जो है लंबित हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने कोई बात नहीं करी, कुपोषण के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं करी। और आदिवासी की कन्याओं के जब उन्होंने पैर धोए, पैर धोने के बाद उनको जो है 2100 रुपए और कपड़े दिए गए, तो शिवराज सिंह जी जैसे ही उठ के आगे गए तो वो उसमें से 100 रुपए छोड़ के 2,000 रुपए वापस ले लिए गए और कपड़े भी वापस ले लिए गए कि आगे वाली कन्याओं को देना है। और ये सब टीवी पे दिखाया गया, नेशनल टेलीविजन पे आज तक और एबीपी न्यूज पे दिखाया गया। दे दे, लेकिन पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि संजय श्रीवास्तव जी बड़ी भेदभाव की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनमें अगर
10-15-20 साल या 30 साल जो भी इनकी राजनीतिक जीवन है उसमें इन्होंने कभी ज्योतिराज सिंधिया से हाथ मिलाया हो तो ये याद कर लें, इनकी तो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ अजय सिंह जी ने, अरुण यादव जी ने भी ज्योतिराज सिंधिया से हाथ मिलाया तो वो फोटो मुझको बता दें। मेरे इतना सामंती और भेदभाव करने वाले माहौल के अंदर ये भेदभाव की बात करें। देखिए मैं तो अभी आपको हाथ मिलाते हुए फोटो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ मेरे जैसे, अरे आप मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता और हजारों लोग ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक बात, ठीक है ना। ज्योतिराज सिंधिया जी जो आप लोगों ने जो कुप्रचार करके रखा हुआ है, ये आप लोग घबराए हुए हैं, ये घबराहट जो दिखाई पड़ रही है मध्य प्रदेश में। नहीं देखिए दीपक जी, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि पहले की जो छवि रही हो या जो पहले व्यवहार हुआ, देखिए उस क्षेत्र के लोग उन्हें मानते सिंधिया जी क्या करें, लेकिन फिर भी ज्योतिराज सिंधिया ने उस छवि को तोड़ने की पूरी कोशिश की। कभी वो ट्रैक्टर पर बैठकर क्षेत्र का दौरा करें, खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी वो बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, कभी लोगों के बीच पंचायत लगा करके बैठे, वो तमाम वो तो अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो सेशन कराने से, फोटो सेशन कराने से कुछ ना छवि टूट, नहीं वो जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। और दूसरी दूसरी बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के स्थानांतरण का मामला है, तो जिस दिन ज्योतिराज सिंधिया जी उस कैंपस में गए, कांग्रेस के पोस्टर ले गए, उसके बाद क्लिपिंग आपके यहाँ भी चली है, उसके अंदर ज्योतिराज सिंधिया छात्रों से कह रहे हैं कि साहब आपको कांग्रेस के पक्ष में काम करने सबके सामने क्लिपिंग है, दो दर्शक उसके बारे से उस प्रिंसिपल ने उन्होंने दुरुपयोग किया था, उसकी स्थानांतरण होना सरकार दलित व्यक्ति था, ये जातिवाद फैलाना, जातिवाद कांग्रेस के आधार पर विकास, चाहे वो दलित कर्मचारी हो, चाहे दलित व्यक्ति हो, दलित आम जनता हो, उसका जीना मुश्किल हो गया है। खरगोन से जगदीश सेन, जगदीश जी अपना सवाल करें। हाँ सर नमस्कार जी, मैं भाजपा विजयगढ़ जी से पूछता हूँ जी कि मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी मेरे साथ भी मैं जैविक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन यहाँ झूठे कार्यकर्ताओं की इज्जत हो रही है, और मैंने एक शिकायत, मेरा जनप्रतिनिधि भी यहाँ के ध्यान में दे रहे हैं, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर 40 बार शिकायत कर चुका हूँ, बिना निराकरण के वो शिकायतें बंद हो रही हैं सर, तो ये भाजपा कार्यकर्ता के साथ नहीं हो रहा है तो फिर जनता के साथ क्या जवाब? देखिए ऐसा है कि किसी ने कोई शिकायत की और अगर वो ये समझता है कि शिकायत का निराकरण उसके हिसाब से होगा तो ऐसा नहीं होता। शिकायत का निराकरण कानूनी प्रक्रिया जो रहती है, जो सरकार की जो नीति होती है। एक मिनट, क्या लाइन पर है मेरे साथ में जगदीश जी? चलिए नहीं तो हम समस्या भी पूछ लेते कि, लेकिन वो कह रहे कार्यकर्ता वाली बात है, बिना निराकृत हुए निराकृत बता दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता है, सरकार क्या रहता है कि किसी व्यक्ति की अपेक्षा हो सकती है कि साहब इसका निराकरण इस तरह हो, लेकिन वो वैधानिक नहीं होगा तो निराकरण उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की बात उठाई, मैं अनिल जी के पास पहले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। मुखिया यादव जी, मुखिया जी अपना सवाल करें। जी सर, हमारा यह प्रश्न है, मैं समाज सेवी मुखिया यादव उम्बी से बोल रहा था सर। हाँ बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो गाय लेकर के हर किसान रात रात भर रातों रात जागता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में क्या कदम उठा रही है, और हम इसका संपूर्ण अंतर चाहते हैं, संपूर्ण संतोषजनक क्वेश्चन चाहते हैं कि हमारा किसान रातों रात एक पल भर के लिए। हालांकि किसानों से जुड़ा सीधा मुद्दा नहीं है, लेकिन अनिल जी आपने जिक्र किया था कि किसान नाराज है, यहाँ पे मुद्दे क्या रहने वाले, मैं यही बात कर रहा था, क्या शहरी आदिवासियों का मुद्दा उठेगा या फिर विकास का मुद्दा उठेगा या फिर क्या जातिवाद के, नए नए हम चीजें देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, जिस तरह के हल्ला मच रहा है, क्या इस तरह कुछ उठेंगी बात? नहीं, कांग्रेस के पास उठाने के लिए तो कई मुद्दे हैं। सबसे पहली बात, किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों का मुद्दा आज सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की समस्या है, किसानों का मुद्दा। किसान कितना है, मतलब हर किसान परेशान है, कि चाहे वो बाबंतर हो, चाहे वो गोली चालन हो, कई किसान आज भी बंद हैं उस सिलसिले में। किसानों की यह मांग थी कि दोषी पुलिस अफसरों को के खिलाफ प्रकरण दर्ज करो, वो आज तक सरकार ने नहीं किया, किसने गोली चलाई ये पता ही नहीं है आज तक, ये स्थिति है। पहली बात, किसानों के पास मुद्दों की कमी नहीं है, भाजपा जरूर विकास के साथ वहां चुनाव में उतर रही है, लेकिन मुद्दे किसानों के पास, कांग्रेस के पास भी कम नहीं है, काफी मुद्दे हैं। क्या शिवराज जी का विकास का मुद्दा वहां चल पाएगा? अब शिवराज जी का विकास का मुद्दा कितना चलता है वहां पर, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो स्थिति यह है कि बीजेपी में भी कुछ ऊहापोह नजर आ रही, ऊहापोह इसलिए कि
वहाँ के मंत्री जी अपने जयवान सिंह पवैया जी श्रीमंत को इतना ज्यादा उठाते रहते हैं, बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं, जबकि वहीं पर यशोधरा राजे हैं, वसुंधरा राजे हैं, राजमाता सिंधिया जिन्होंने भाजपा को सींच के आज इतना बड़ा किया कि वो फल फूल रही है, लेकिन वहां पर उनकी बात का प्रदेश अध्यक्ष खंडन कर देते हैं कि नहीं साहब हम नहीं कहते। तो ये जितना भी जयवान सिंह पवैया उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उतनी ही लोकप्रियता फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां मिल रही है। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सहानुभूति की लहर क्या काम करेगी दोनों ही जगह? एक समय पहले था, बीच में हमने देखा था कि सहानुभूति की लहर में साफ वोट एक तरफ चले गए, लेकिन वो ट्रेंड भी टूटा। एक तो उस परिवार के कई लोगों को कई उपचुनाव मध्य प्रदेश में इतने उपचुनाव हुए हैं मतलब बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, तो ऐसा कि उस परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला, मिल भी गया तो वो हारे भी, ऐसा भी कुछ चीजें देखने को मिली है जैसा कि रतलाम में हमने देखा था। तो वो क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम करेंगे? अधिकांश उपचुनाव जो होते हैं वो सिटिंग MLA होते हैं उनके निधन से की वजह से होते हैं। अब इस्तीफा देने वाले परंपरा तो रही नहीं कि वो अपनी सीट से इस्तीफा दे दे कोई भी विधायक, लेकिन होते वो तभी है जब नारायण त्रिपाठी ने दिया थी। वो पार्टी बदलने की वजह से दिया उन्होंने। तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसमें यदि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल जाता है, अभी तो टिकट तय नहीं है, यदि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल जाता है तब कहा जा सकता है कि वो सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी अब लेकर के चल रही है वो ये है विकास। अब देखिए मोदी जी विकास की बात करते हैं, शिवराज जी विकास की बात करते हैं, विकास मुझे लगता है कांग्रेस की इतने सालों सरकार रही है देश में और प्रदेश में, तो विकास तो उन्होंने भी किया। तो सवाल यह है कि ऐसा कोई अफलातूनी विकास क्या प्रदेश में हो गया है, क्या ऐसा कोई अफलातूनी विकास देश में हो गया है जिसकी वजह से आप विकास की बात करें और मतदाता के मन को छू जाए? शुरू में जरूर छुआ, लेकिन जिस तरह के वादे और घोषणाएं की गई और उन वादे और घोषणाओं को पूरा नहीं जब किया जा सका, तो जरूर इस बात का विचार कम से कम एक जनरल आदमी, आम जो आदमी है वो ये सोचता है कि क्या विकास को लेकर के कोई धरातल पे चीज है भी या नहीं है? नहीं। तो केवल विकास के मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में यदि उतरेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको और भी जो मुद्दे हैं, और सिंचाई है, पानी है, पेयजल है, दूसरी जो चीजें हैं ये विकास से ही जुड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो करने की चीज है, यदि आप वहाँ पे धरातल पर उतार देंगे तो जरूर वोटर जो है, जो जनता है वो आपके। तो दीपक जी, जिस विकास को पागल घोषित कर दिया था कांग्रेस ने गुजरात में, उसी विकास के साथ आप क्या ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो विकास को पागलपन ही मानती है, क्योंकि इनका तो काम है जातिवाद फैलाना, डिवाइड करना लोगों को और वोट पॉइंट बना के तुष्टिकरण की नीति अपना के और किसी तरह वोट हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को राजनीति पे आगे बढ़ती रही है, और अग्निहोत्री साहब ने लेकिन 6 महीने का उपचुनाव है सर, उसमें आप कैसे विकास? सर पूरी बात सुन लीजिए, हम अगर विकास की बात करते हैं तो हमने जो 2003 से हमारी सरकार है, बिजली के मोर्चे पर, सड़क के मोर्चे पर, पेयजल के मोर्चे पर, सिंचाई सुविधाओं के मोर्चे पर, स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति है, छात्राओं को सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बुजुर्गों के हित में जो हमने काम किए, सैकड़ों योजनाएं हैं जिससे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से हर एक आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, उसका लाभ 14 सालों मुंगावली तक भी पहुंचा, बिल्कुल हर एक घर में पहुंचा है, हर एक घर में पहुंचा है। और अब स्थिति यह है कि इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि वहां जो सड़क बनी है और सिंचाई सुविधाएं हुई है उसका स्टेज उतरा सिंधिया लेना चाहते हैं, तो इससे जाहिर है कि हमने कितना विकास किया है। कि कांग्रेस पार्लियों के पास जवाब देने के लिए नहीं है, वो ये बताएं कि उन्होंने 17 साल में क्या किया और हमारे 14 साल का हिसाब है, उसके कंपेयर में वो कहाँ खड़े हैं? ठीक है, विकास पर बात नहीं, लेकिन हाँ संजय जी वहाँ मुद्दे किस तरह से उठाने वाले हैं? दीपक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको, आप बात कर रहे हैं स्कूलों की, आप बात कर रहे हैं सड़कों की, आप ये बताइए कि स्वास्थ्य सेवाओं में आज क्या स्थिति है? भोपाल, मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, इस भोपाल शहर में 3 गुनी आबादी 2003 के बाद से आज तक बढ़ चुकी है। आपने क्या एक भी यहाँ पे नया अस्पताल बनवाया? क्या एक भी जो है आपने गवर्नमेंट का कॉलेज बनवाया? क्या आपने हायर सेकेंडरी स्कूल एक भी बनवाया? ये तो केवल मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, और भोपाल के बाहर आप जाके देखेंगे तो भोपाल के बाहर की दशा बहुत खराब है। और आज जो है जब जवाब देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है जो 14 साल में नहीं कर सके, जो पिछले ये जो नई सरकार है इसमें जो 4 साल में नहीं कर पाए, तो क्या जरूरत आ पड़ी थी उनको कि वो जो है अधिकारियों की और मंत्रियों की बैठक ले और उसमें फिर से जो आपके जो संकल्प पत्र था
उसकी उसकी ही जो है इबारतों को फिर से लिखें कि ये काम हमें एक साल के अंदर पूरा करना है। निश्चित रूप से आपकी सरकार फेल हो चुकी है मध्य प्रदेश में, और जहां उपचुनाव की बात है तो ये दोनों उपचुनाव में वहां जनता वोट देने के लिए बैठी हुई है और जनता निश्चित रूप से न्याय करेगी। ठीक है दीपक जी, देखिए पहली बात मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीवास्तव जी से कि ये बता दें 2003 के पहले मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कब खुला था, अगर इनको जानकारी हो तो। 1965 में मध्य प्रदेश में रीवा में आखिरी मेडिकल कॉलेज खुला था, और 1965 से लेकर 2003 तक ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने ना तो चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सोचा ना चिकित्सा छात्रों के बारे में सोचा। बताइए 1965 में आप जो आप नए की बात कर रहे पूरी 14 साल में नए कितने आज आप वही मैं कह रहा हूँ। सागर में शुरू हुआ, सागर में शुरू हुआ है पांच और मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में आज तक प्रारंभ नहीं हुआ। 40 साल में ये बताइए उपचुनाव पर फोकस कर रहे हैं अपने काम का हाथ देने को तैयार नहीं है। एक मिनट से रोकना चाहूंगा, हम खुला है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खोला है, अटल जी की सरकार ने खोला है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय शुरू हुआ, आप जानकारी नहीं है सर। कोलारस और मुंगावली की जनता को मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए सर, वहाँ पर चाहिए बिजली सड़क पानी ये और जो रोजगार, ये चार मूल समस्या। अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर प्रत्याशी चयन में दिक्कतें आने वाली हैं मुंगावली में खासतौर पर, क्योंकि एक नाम चल रहा है कि लोकल लीडर को उतारा जाए, या दूसरा चल रहा है कि साहब कालू खेड़ा जी के परिवार से किसी को दिया जाए टिकट, बीजेपी में भी वहाँ पर है कि देशराज जी के बेटे को दिया जाए या फिर किसी नए चेहरे को आगे किया जाए। नहीं जहाँ तक मुंगावली में है मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, हालांकि कालू खेड़ा जी के परिवार से मुझे नहीं लगता कि कोई आ पाए, लेकिन कांग्रेस के पास वहाँ पर मुझे नहीं दिखता कि किसी प्रकार की कोई समस्या आए। रही बात कोलारस में, तो कोलारस में कांग्रेस के जो स्वर्गीय प्रत्याशी हैं उनके पुत्र हैं, उनको लगभग फाइनल है, घोषणा होना बाकी है उनकी, लिहाजा कांग्रेस के पास वहाँ पे प्रत्याशियों की कमी नहीं है। अलबत्ता ये दिक्कत बीजेपी को आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही जगह निश्चित है, क्योंकि कालू खेड़ा जी का भी और इनका भी दोनों का स्वर्गवास हो चुका है, लिहाजा सहानुभूति दोनों तरफ कांग्रेस को मिलेगी, ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट जाएगा। न्योत्री जी क्या इस तरीके की कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बड़ा हमने चित्रकूट में भी देखा कि बीजेपी ने इन वक्त पर एक कार्यकर्ता को टिकट दिया ये सोच करके शायद वो, लेकिन वहाँ फायदा नहीं मिला उसका, ऐसे में क्या उसमें भी रणनीति कुछ बदलेगी बीजेपी इस बार? मुझे लगता है जरूर अनिल जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर थोड़ी दिक्कत आ सकती है प्रत्याशी चयन में, लेकिन मजे की बात देखिए कि अमूमन हम जब चुनाव की बहस करते हैं स्वराज एक्सप्रेस, तो जब चुनाव की घोषणाएं हो जाती है उम्मीदवार तय हो जाते हैं उसके बाद करते हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने भाजपा और कांग्रेस ने इस उपचुनाव को अभी से इतना गर्मा दिया है कि हम उस पर बहस करने को मजबूर हो गए। ठीक, तो वरना ऐसे समय इतने जल्दी चुनाव उपचुनाव पर बहस नहीं होती है, बहस तब होती है जब सब अधिसूचना आ जाए, तिथि घोषित हो जाए, उसके बाद होती है। तो अब इसी से पता चलता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम कोई भी उपचुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अपनी धरती बचाए रखना है। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ अग्निहोत्री जी, दोनों से तो नहीं करूंगा, वो अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन अगर कांग्रेस जीती है इसके क्या नतीजे होंगे, क्या असर होंगे? इसके नतीजे साफ साफ नजर आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस जीतती है दोनों सीटें, सिंधिया और मजबूत होकर के उभरेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वाकई यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ेगा। लेकिन अगर हारती है तब? हारती है तो बताया मैंने, फिर तो नहीं, क्या इसको ये नहीं कह सकते कि उपचुनाव था इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना, 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 ना। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले जमाने में जरूर हुआ, एक सेकेंड खत्म करो, पहले समय में जरूर हुआ करता था कि, लेकिन अब जो समय बदल गया है, अब क्या है कि छोटा सरपंच का भी चुनाव है, पंच का भी चुनाव है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण उससे लेती है, और किसी को ऐसा नहीं है कि गंभीरता से ना ले किसी चुनाव को, क्योंकि उसके लिए अपनी जमीन बचाए रखना मध्य प्रदेश और देश में बहुत जरूरी होगा। ठीक है अनिल जी, ये इसका तो जवाब दीजिएगा, इसके साथ ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या इनके नतीजों से दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी तय होंगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन क्योंकि फिलहाल
सीएम वर्सेज बीजेपी वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहा है। बीजेपी अगर जीतती है तो शिवराज जी के हाईकमान के सामने नंबर बढ़ जाएंगे और आगामी चुनाव जो विधानसभा का मेन चुनाव है वो शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यदि बीजेपी हार जाती है वहां पर चुनाव तो निश्चित ही फिर संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अगला चुनाव हो। रही बात कांग्रेस की, नहीं ये तो बड़ी बात कह रहे हैं चुनाव का कुछ भी हो जाए शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हम यही चूंकि क्या एक माहौल बन रहा है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष अब दोनों ही दलों में बदले जाए। हाँ बीजेपी में तो चल रहा है, कांग्रेस में भी काफी दिनों से चल रहा है जी। और कांग्रेस क्या नेतृत्व निर्णय लेता है बीजेपी क्या, इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के पहले पहले ही मैं समझता हूँ बीजेपी और कांग्रेस में इसका फाइनल हो जाएगा। हो जाएगा जी। संजय जी अगर ये दो सीटें आपने देखिए बीजेपी के पास तो खोने के लिए है नहीं कुछ भी, ठीक है खोने के लिए तो आप ही के पास है क्योंकि आप ही की दोनों सीटें थी, अगर एक सीट भी निकल गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। देखिए चुनाव के परिणाम जो है दिखाई पड़ने लगते हैं पहले से, हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ है चुनाव, लेकिन वहां पे मैं अभी एक हफ्ते पहले भी मैं मुंगावली में था, उसके पहले मैं कोलारस गया था, वहां पे साफ साफ बीजेपी के जो है कैंप में निराशा दिखाई पड़ रही है और जनता के बीच में देखिए जनता तो सीधे वहां पे कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो ये पहले से ही दिखाई पड़ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो शिवराज सिंह जी की सभा में जो है अलग अलग जिलों से यहाँ तक कि भोपाल तक से जो है बसें अधिग्रहित करके भेजी गई और जनता को बाहर से क्यों बुलाना पड़ रहा है। यदि इतना चार्म होता शिवराज सिंह जी के प्रति इतना आकर्षण होता तो वहां पे मुंगावली में भी जनता की कमी नहीं है, कोलारस में भी कमी नहीं है, लेकिन वहां पे पांच जिलों से जो है बसों में भर भर के लाया गया लोगों को, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो लोकल लोग हैं वो लोकल लोगों का बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लगाव नहीं। दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2009 में ज्योतिराज सिंधिया 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और 2014 में 30,000 से भी कम वोटों से जीते हैं। उनकी जमीन खिसकी हुई है पूरी तरह से, पूरी जमीन खिसकी हुई है और वो जानते हैं कि ये दोनों सीटें जैसे ही हारेंगे तो ज्योतिराज सिंधिया की जो सारी बड़े बड़े मंसूबे हैं वो बहुत धराशायी। अगर आपके पक्ष में नतीजे नहीं है तो इस बार ये बहाना नहीं चलेगा कि उनका गढ़ था वहां से सीटें जीतने जा रहे हैं और उसी के जरिए हम ये सिद्ध करेंगे कि हम आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें 230 क्योंकि अगर दो सीटें हार जो 200 पार का हमारा लक्ष्य हम सिद्ध करेंगे, वो नारा बदलना पड़ेगा क्योंकि इसी के जरिए हम सिद्ध करेंगे। गुजरात में तो नहीं चला है देखिए, ऐसा है 150 पार का नारा इस बार हम गुजरात की परिस्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, कई बार ऐसा रहता है परिस्थितियां तो सर बनाई बिगाड़ी जाती हैं, टीमें तैयार हो गई हैं कांग्रेस की जो पूरी बात सुन लीजिए कई बार ऐसा रहता है कि वोटों का और सीटों का जो कन्वर्शन है वो उस हिसाब से नहीं होता है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के 7% वोट कांग्रेस से ज्यादा है, गुजरात में 49.5 वोट मिले हैं जो 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी को इस देश के किसी राज्य में नहीं मिले, तो हमारा वोट बहुत बड़ा है वहां पर, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है। मीडिया कई बार आकलन करने में गलती कर सकता है, ये उनका विषय है, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है पिछली बार। मैं दीपक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गुजरात से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कोई सबक लिया है या नहीं एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, या फिर वही इस मुगालते में है कि नहीं जनता तो हमें ही वोट देगी। नहीं मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। मध्य प्रदेश में सड़क बिजली पानी महिला सशक्तिकरण स्कूलों की बेहतर स्थिति छात्राओं को छात्रवृत्ति बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिससे हर घर में हर वोटर लाभान्वित हुआ है। पूरा भरोसा है। संजय जी एक मिनट, आप यदि प्रतिदिन जनता मांगे जवाब देखे दीपक जी तो जो हमारे यहाँ सवाल जो आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के लोग बीजेपी भी कॉलर आते हैं, बीजेपी भी आते हैं, लेकिन अब वो भी जो है सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछने लग गए क्योंकि वो मनस्थिति को आपने ठीक है बहुत बड़ी फौज उतारी अच्छी बात है, लेकिन ये केवल सिर्फ चुनाव जीतने की बात ना हो, वाकई वो जो विकास चाहती है क्षेत्र की जनता वो हो वैसा काम हो, दोनों दलों के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, संजय जी आपका शुक्रिया, अग्निहोत्री जी आपका और अनिल सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से इतना साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के दावों के बावजूद ये तो तय है कि कोलारस और मुंगावली में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसने जमीनी स्तर पर काम करके मतदाताओं की नब्ज को समझा हो, कोशिश जारी है समझने की और जनता की समस्याओं को दूर करके विकास
का भरोसा दिलाया भी जा रहा है, विकास किया भी जा रहा है। साथ ही उपचुनाव सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने का काम करेगा और यकीन मानिए कि इन दो उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीति में बड़ा हलचल मचाएंगे। इसे आज लिख के रख लीजिए और ये देखना यही है कि ये मुकाबला क्या 2-0 से कोई दल जीता है या फिर 1-1 की बराबरी से ये मुकाबला समाप्त होता है। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। तब तक लेना होगा आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम।